एक बाजे का मोड़ पे एंटी नारकोटिक सेल की गाड़ी को हिट करने की कोशिश की गई है कुछ बदमाशों द्वारा। क्या मामला है सर? कल हमारे एंटी नारकोटिक की टीम नाका लगाई हुई थी, जो अक्सर लगाते रहते हैं, जो हमारी भी जितने भी स्टाफ हैं। तो उस दौरान एक गाड़ी ब्रेजा आई शहर की तरफ से, और उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रोकने की बजाय जो हमारे एंटी नारकोटिक की टीम थी उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश की और भाग गई, उसको गाड़ी को टक्कर मार के। बाद में उन्होंने पीछा किया और उस गाड़ी को काबू किया। काबू करने के बाद जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हुए हैं उनकी उपस्थिति में उसकी तलाशी ली गई, जिसमें से 60 ग्राम हेरोइन और 5 नशीले इंजेक्शन उसमें से रिकवर हुए, और 4 उसमें एक्यूज थे, उन 4ों को अरेस्ट कर लिया गया है। और इसमें NDPS अटेम्प्ट टू मर्डर पुलिस कार्रवाई में बाधा के अंडर मुकदमा दर्ज करके उनको जुडिशियल में भेज दिया गया है। सर, कोई पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है? पुलिसकर्मी बच गए, घायल तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी गाड़ी डैमेज हुई है नारकोटिक की। हाँ, तो और हाँ सिरसा के रहने वाले जी, जो अपराधी आरोपी है, हैं आरोपी 2 सिरसा से हैं, 2 फतेहाबाद से हैं। सर, ये कहाँ से आ रहे थे? ये कहीं से कोई सप्लाई करके आ रहे थे, ठीक है, जो पूछताछ में आया है उनके पास नशा तो और भी था, उन्होंने कुछ फेंका भी है, ठीक है ना। जो रिकवरी हुई है वो 60 ग्राम के आसपास तो सर, कितने किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा गाड़ी का? हुई। हमारे FIR के मुताबिक उन्होंने काफ़ी 30 किलोमीटर के आसपास तक पीछा किया उन्होंने, तब उसके जाके वो बाद पकड़े कब? गए जी। आगे सप्लायर की तलाश करेंगे जी, बाकी और कहाँ उन्होंने बेचा है वो देखेंगे, कहाँ कहाँ बेचा होगा, कोई और तथ्य सामने आया तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।